वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल हाउ आर यू फ्रेंड्स टुडे वी सी चैप्टर 14 ऑफ एट्थ क्लास सोशल साइंस उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर आइए हम चैप्टर 14 उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप देख लेते हैं ठीक है नंबर फर्स्ट देखेंगे निम्न लिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखना है ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे किस फसल के लिए प्रेरी के मैदान को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है ठीक है तो ऑप्शन में देखेंगे चावल मक्का गेहूं जो तो इसका राइट आंसर रहेगा गेहूं ठीक है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है ठीक है तो ऑप्शन में देखेंगे शिकागो डेट्राइड पीटर्स पीटर्सबर्ग न्यूयॉर्क तो इसका राइट आंसर आएगा डेट्राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ठीक है फर्स्ट डैश 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 दीप के आसपास बहुतायत बहुताय से मछलियाँ पकड़ी जाती है दीप के आसपास बहुतायत बहुताय से मछलियाँ पकड़ी जाती है तो इसका राइट आंसर आएगा न्यू फाउंड लैंड ठीक है न्यू फाउंड लैंड नेक्स्ट देखेंगे डैश डेजडेस को भट्टियो का नगर कहा जाता है डैश डेजडेस को भट्टियो का नगर कहा जाता है तो इसका राइट आंसर आएगा पीटर्स बर्ग तो हमें यहाँ पर पीटर्स बर्ग राइट करना है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से डैश डैश सिटी भाषी जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा नगर है तो इसका राइट आंसर रहेगा मैक्सिंगो मैक्सिको तो हमें यहां पर मैक्सिको राइट करना है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड अति लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट कनाडा में वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं कनाडा कनाडा में वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? इसका आंसर देख लेते हैं कागज़ उद्योग लुगदी उद्योग फर्नीचर उद्योग व मशहूर उद्योग आदि कनाडा में वनों पर आधारित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू उत्तर अमेरिका में फसलों की तीन पेटियों के नाम लिखिए उत्तर अमेरिका में फसलों की तीन पेटियों के नाम लिखना है ठीक है आंसर देखेंगे फर्स्ट नंबर पे है प्रेयरी के मैदान गेहूं की पेटी प्रेयरी के मैदान गेहूं की पैटी ठीक है सेकंड नंबर पे आएगा संयुक्त राज्य का मध्यवर्ती भाग मक्का की पेटी ठीक है कौन सी है सेकंड नंबर पे मक्का की पेटी थर्ड पे देखेंगे संयुक्त राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग कपास की पेटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड उत्तर अमेरिका के किस भाग में जनसंख्या अधिक उत्तर अमेरिका के किस भाग में जनसंख्या अधिक इसका आंसर देख लेते हैं उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा ग्रेट लेक्स के आसपास के भाग में जनसंख्या अधिक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है इसका आंसर देख लेते हैं विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण क्यू क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है ठीक है विपुल उत्पादन का विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लघुत्री प्रश्न ठीक है लघु त्री प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कनाडा के प्रमुख उद्योगों के नाम उनके केंद्रों सहित लिखिए कनाडा के प्रमुख उद्योगों के नाम उनके केंद्र सहित लिखिए ठीक है थीके? उसका आंसर देखेंगे ओटावा ओटावा इसका उद्योग है लुगदी उद्योग कागज उद्योग व अस्त्र शस्त्र उद्योग ठीक है ओटावा का है लुगदी उद्योग कागज उद्योग व अस्त्र शस्त्र उद्योग ठीक है नेक्स्ट देखेंगे मॉन्ट्रियल लोहा इस्पात उद्योग कागज उद्योग व जलयान उद् निर्माण उद्योग ठीक है नेक्स्ट देखेंगे वेनकुअर वेनकुअर खनिज तेल शोधन उद्योग मछली पालन उद्योग ठीक है नेक्स्ट देखेंगे कागज उद्योग लुगदी उद्योग व खनिज तेल शोधन उद्योग ठीक है नेक्स्ट देखेंगे टोरंटो लोहा इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग व कागज उद्योग ठीक है ये इन कनाडा के प्रमुख उद्योग है और उनके केंद्र है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख उद्योगों और उनके केंद्रों के नाम लिखिए संयुक्त अमेरिका के प्रमुख उद्योगों और उनके केंद्रों के नाम लिखिए ठीक है इसका आंसर देख लेते हैं निम्न उद्योग व मछली पालन उद्योग लॉस एंजिलिस परिवहन उद्योग व हवाई जहाज निर्माण उद्योग न्यूयॉर्क लोहा इस्पात उद्योग व मांस उद्योग शिकागो लोहा इस्पात उद्योग व धातु प्रगलन उद्योग पीटर्सबर्ग खनिज तेल शोधन उद्योग रासायनिक उद्योग व मशीन उद्योग वाशिंगटन डीसी सॉरी वाशिंगटन डीसी मोटर निर्माण उद्योग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न ठीक है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर अमेरिका में कृषि की उन्नति के क्या कारण है उत्तर अमेरिका में कृषि की उन्नति के क्या कारण है ठीक है इसका आंसर देखेंगे यहाँ मध्यवर्ती प्रेरी के मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि की जाती है यहाँ मध्यवर्ती प्रेरी के मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि की जाती है तथा उन्नत कृषि के निम्न कारण है कृषि के निम्न कारण है है ठीक कारण देख लेते हैं खेतों का आकार बहुत बड़ा है खेतों का आकार बहुत बड़ा है कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता वहां पर कृषि के कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे कृषि में नवीन वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती है कृषि में नई नई वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती है।, देखेंगे। कुछ विशेष के लिए विशेष निर्धारित है कुछ विशेष फसलों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित है ठीक है महाद्वीप का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ विविध प्रकार की मिट्टिया और जलवायु दशाएं पाई जाती है महाद्वीप का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पर विविध प्रकार की मिट्टियाँ कई प्रकार की मिट्टियाँ और जलवायु दशाएँ पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में अधिक जनसंख्या होने के मुख्य कारण लिखिए उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में अधिक जनसंख्या होने के मुख्य कारण लिखिए ठीक है आंसर देखेंगे उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में अधिक जनसंख्या होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है ठीक है पूर्वी भाग में जलवायु मानव विकास के लिए अधिक अनुकूल है पूर्वी भाग में जलवायु मानव विकास के लिए अधिक अनुकूल है नेक्स्ट इस क्षेत्र में खनिज आदि प्रचुरता से उपलब्ध है इस क्षेत्र में खनिज प्रचुलता से उपलब्ध है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे यूरोप महाद्वीप इस क्षेत्र के अधिक निकट है यूरोप महाद्वीप इस क्षेत्र के अधिक निकट है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे उत्तर अमेरिका के अधिकांश उद्योग इसी क्षेत्र में स्थापित है उद्योग सॉरी उत्तर अमेरिका के अधिकांश उद्योग इसी क्षेत्र में स्थापित है नेक्स्ट देखेंगे इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का विकास भी अधिक हुआ है इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का भी विकास अधिक हुआ है और जीवन यापन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में सुलभ है और जीवन यापन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में सुलभ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री प्राकृतिक संसाधनों ने उत्तर अमेरिका को बहुत धनी बनाया है कारण सहित वर्णन कीजिए प्राकृतिक संसाधनों ने उत्तर अमेरिका को बहुत धनी बनाया है इसका कारण सहित इसका वर्णन करना है ठीक है इसका आंसर देखेंगे उत्तर अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का है ठीक है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का रहा है जिनका कारण सहित वर्णन इस प्रकार है कृषि कृषि संसाधन उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कृषि की महती भूमिका है उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कृषि की महती भूमिका है यह महाद्वीप कई कृषि उत्पादनों में संसार में अग्रणी है यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है जो कि इसकी सम शम, समानता का प्रमुख कारण है जो कि इसकी समता का प्रमुख कारण है ठीक है सेकंड नंबर पे वन संसाधन वन प्रकृति के अमूल्य उपहार है वन प्रकृति के अमूल्य उपहार है उत्तर अमेरिका में विविध प्रकार के वन विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं उत्तर अमेरिका में कई प्रकार के वन विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं कागज उद्योग लुगदी उद्योग फर्नीचर उद्योग मशहूर उद्योग वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग है घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं जो इसे अग्रणी बनाते हैं घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं जो इसे अग्रणी बनाते हैं ठीक है खनिज और ऊर्जा संसाधन खनिज और ऊर्जा संसाधन उत्तर अमेरिका खनिज संसाधनों में अति समृद्ध महाद्वीप है उत्तर अमेरिका खनिज संसाधनों में अति समृद्ध महाद्वीप है यहाँ संसार का लगभग थर्टी टू प्रतिशत जस्ता ट्वेंटी सेवन प्रतिशत कोयला ट्वेंटी फाइव प्रतिशत से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है ठीक है यहाँ संसार का लगभग थर्टी टू प्रतिशत जस्ता ट्वेंटी सेवन प्रतिशत कोयला ट्वेंटी फाइव प्रतिशत से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने एवं उनके अधिकाधिक दोहन ने उत्तर अमेरिका को बहुत धनी बनाया है ठीक है